नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी देश भर के अंदर बदलाव की लहर को देखते हैं और हिमाचल और गुजरात में परिवर्तन होता हुआ देखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बता सकते हैं कि हिमाचल और गुजरात में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। इस बीच पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने वाले बाबा रामदेव को भाजपा शासित उत्तराखंड की सरकार ने दे दिया है बड़ा झटका। 5 दवाओं के उत्पादन पर लगा दी है रोक। जी हां दोस्तों, भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी उत्तराखंड ने पतंजलि के उत्पादों को बनाने वाले दिव्य फार्मेसी को 5 दवाओं का उत्पादन रोकने को कहा है। इसके साथ ही कंपनी को मीडिया स्पेस से तुरंत भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापनों को हटाने को कहा गया है। भविष्य में स्वीकृत विज्ञापन ही चलाने की सलाह देते हुए उत्पादन लाइसेंस वापस लिए जाने की भी पतंजलि को चेतावनी दे दी गई है। अथॉरिटी ने इस मुद्दे पर कंपनी से 1 सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में बाबा रामदेव तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का खुले तौर पर समर्थन किया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की गोदी मीडिया को सलाह, सरकार की कमियों को उजागर करना ही आपकी जिम्मेदारी है। खबर बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टैक्स इंडिया ऑनलाइन पोर्टल पुरस्कार 2022 में बोलते हुए मीडिया को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया सरकार की कमियों को उजागर नहीं करती है। खैर, बीजेपी की वफादार गोदी मीडिया हर समय अपना सारा ध्यान सरकार की चापलूसी में लगाएगी, तो ऐसी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। कार्यक्रम में आगे बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारतीयों की एक नई पीढ़ी उभरी है, जो अच्छा काम करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी होने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ा रही है। जिस तरह न्यूज़ चैनल पर प्रतिदिन लोगों को दंगों के लिए उकसाया जा रहा है, दिन रात सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट करा करके समाज में नफरत घोली जा रही है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व पीएम ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका है, उसका काम है राष्ट्र निर्माण करना, ना कि सरकार के पक्षकार का काम करना। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर के तारीफ की थी और कहा कि उन्होंने जो आर्थिक सुधार के कदम उठाए थे, उससे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, अशोक गहलोत का दावा, हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत होगी। खबर बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास जताया है कि हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एकतरफा जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है, जहाँ मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ भयंकर लहर देखने को मिल रही है। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि हमारा अभियान ठीक चल रहा है, 5 परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकली। इन यात्राओं में जो जनता की प्रतिक्रिया देखने को मिली, उससे संकेत मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकतरफा चुनाव जीत रही है और गुजरात के अंदर भी सत्ता विरोधी लहर है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और जनता का विश्वास अब कांग्रेस पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा भी गेम चेंजर साबित हो रही है, ये यहाँ पर कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, जेल से संजय राउत की रिहाई के बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर जमकर के भड़के हैं उद्धव ठाकरे। खबर बताते चलें, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को डकैत कहते हुए राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्र से सुपारी लेने का आरोप लगाया। नाराज उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र के पालतू जानवरों की तरह व्यवहार करती हैं, केंद्र सरकार से सुपारी लेकर के वे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाती हैं, इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए।
उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अदालत का फैसला केंद्र और उन सभी विद्रोहियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो चले गए हैं। समय का पहिया बदलता रहता है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह महसूस करना चाहिए कि समय बदलता है और कल यह उनके साथ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया और जनता से इसके खिलाफ आवाज उठाने का भी आह्वान किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी को मिला है एनसीपी का समर्थन। सुप्रिया सुले हुई हैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र चरण के चौथे दिन शामिल हुए। आप लोगों को बताते चलें, राज्य एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल, बारामती सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के नेता जितेंद्र आवाहन राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए जब उन्होंने देगलूर नाका से अपना पैदल मार्च शुरू किया। और इसके साथ ही बताते चलें, आज राहुल गांधी के साथ में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और भारत जोड़ो यात्रा को लगातार अपार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मामलों की सुनवाई को लेकर के चीफ जस्टिस का बड़ा फैसला। नए सिस्टम में अपने आप मिलेगी मामलों की तारीख। खबर बताते चलें, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के ठीक 24 घंटे के बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने व्यवस्था में सुधार करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को बताते चलें, शपथ लेने के दूसरे ही दिन चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई को लेकर के अहम फैसला किया। CGI ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे नए मामलों को सुनवाई के लिए बेंच के समक्ष स्वतः सूचीबद्ध करें। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आम लोगों की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है, मैं देश के सभी नागरिकों के लिए काम करूंगा। इस सवाल पर कि वो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कैसे सुनिश्चित करेंगे, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि अपने काम के जरिए नागरिकों का भरोसा सुनिश्चित करूंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, प्रियंका गांधी बोली पुरानी पेंशन योजना चुनावी जुमला नहीं है। BJP ने बड़े उद्योगपतियों का किया कर्जा माफ, लेकिन इस पर उठा रही है अब सवाल। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को वापस करने का वादा चुनावी जुमला नहीं है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, लेकिन इस कदम की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठा रही है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं की उस टिप्पणी के लिए भी आलोचना की है कि कांग्रेस एक स्थिर सरकार नहीं दे सकती है और कहा है कि उनकी पार्टी ने आज़ादी के बाद से सबसे स्थिर सरकारें दी हैं। उन्होंने पूछा कि अस्थिरता आखिर किसने पैदा की है, विधायकों को खरीद कर सरकारें किसने गिराई हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़की हैं प्रियंका गांधी BJP सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे हमने आप तक पहुँचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।